चलिए अब बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों और अवामी लोग सदस्यों के में झड़प के दौरान 91 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने पीट पीट कर मार डाला है। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे। एक महीने से जारी हिंसक प्रदर्शन में कुल 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है वो लगातार उग्र होती हुई नजर आ रही है और अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है। इस झड़प में 91 लोगों की मौत की खबर भी आपको हम दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीट पीट कर कई पुलिसकर्मियों को भी मार डाला है। और बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की। इसके तहत भारतीयों को बांग्लादेश की यात्रा न करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने और उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है। तो भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो अभी बांग्लादेश की यात्रा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंसा जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। अब तक 200 लोगों की मौत भी उसमें हो चुकी है और लगातार जो है वो हिंसा बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है। अक्सर देखा जा रहा है कि एडवेंचर के लिए युवा रील बना रहे हैं। ऐसे वीडियो बनाने में जिंदगी दांव पर लग जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को राजी नहीं है। अब महाराष्ट्र के सतारा में एक लड़की रील बनाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ी, लेकिन वो 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। सेल्फी के लिए खतरे में जान। बाल बाल बची लड़की। महाराष्ट्र में कुछ दोस्त एडवेंचर के लिए पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बुरा होने वाला है। सतारा से दिल दहला देने वाली इस घटना में सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़की 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक 5 लड़के और 3 लड़कियों का ग्रुप घूमने गया था। उनमें से एक लड़की वहां के दिलकश नजारों को अपने कैमरे में कैद कर सेल्फी ले रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे खाई में जा गिरी। उसके दोस्तों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लड़की की जान खतरे में थी, पता भी नहीं था कि उसका हाल कैसा होगा। वक्त बेहद कम था। लेकिन स्थानीय लोगों और दूसरे ट्रैकरों की सूझबूझ काम आई। जल्द ही रस्सी का इंतजाम किया गया और लड़की के रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद उसे खाई से बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई। गनीमत ये रही कि लड़की की जान बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। सतारा के उंघार रोड पर यह हादसा हुआ, जहां लड़की बोरने घाट में सेल्फी लेते हुए हादसे का शिकार हो गई। पिछले कई दिनों से इस इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मिट्टी गीली है और कदम कदम पर फिसलन हो रही है। गहरी खाई में गिरने की वजह से लड़की के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। वीडियो में लड़की काफी डरी हुई नजर आ रही है और पूरी तरह से दर्द में है। आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर का यह हादसा तो याद ही होगा। जून महीने की बात है, 17 जून के दिन संभाजी नगर की पहाड़ियों में ये लड़की अपने दोस्तों के साथ पहुंची थी। लड़की गाड़ी चला रही थी और उसका दोस्त वीडियो बना रहा था, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रील साबित हुई। वो कार का रिवर्स गियर लगाती है, इसी दौरान उससे एक्सीलेटर दब गया और कार खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में लड़की की मौत हो गई थी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। यही लापरवाही कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। एक गलती जान तक ले लेती है। हाल ही में ऋषिकेश से भी बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। योग नगरी ऋषिकेश में सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है।
युवाओं में यहाँ राफ्टिंग के लिए काफी क्रेज दिखता है, लेकिन गंगा की लहरों में लोग रील और सेल्फी बनाते हैं। कई बार गहराई वाले भाग में पहुंच जाते हैं, पानी के भंवर में फंसने के बाद निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई लोग वापस ही नहीं आ पाते। इस बार SDRF की टीम ने 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से यहां मौत हो चुकी है। इनमें रील और सेल्फी बनाने के ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र के सतारा में लड़की अपनी जान को दांव पर लगा बैठी थी, लेकिन किस्मत का उसे साथ मिल गया। हालांकि किस्मत हर बार साथ दे दे ये भी जरूरी नहीं है। हैरानी तब होती है जब इतने हादसे होने के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है। भारत के डिफेंडर अमित रोहिदास पर एक मैच पर का बैन लगा है। क्वार्टर फाइनल में अमित को रेड कार्ड दिखाया गया है। मंगलवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के 10वें दिन भारत ने कई बड़े नाम एक्शन में नजर आने वाले हैं और बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने उतरेंगे। और इसके साथ ही आज भारत की महिला टेबल टेनिस टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। वो राउंड ऑफ 16 में रोमानिया के खिलाफ उतरेगी और उनके अलावा 400 मीटर हिट्स में भारत की किरण पहल भी चुनौती पेश करेंगी। साथ ही पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेस में भारत के अविनाश साबले मैदान में होंगे और सोमवार से रेसलिंग के मुकाबले की भी शुरुआत होगी और भारत की युवा रेसलर निशा दहिया आज अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेंगी। एक अफवाह ने ब्रिटेन को इतिहास के सबसे भीषण दंगे की आग में झोंक दिया है। ब्रिटेन के 9 शहरों में आगजनी और जमकर उत्पात हुआ है, उपद्रव हुआ है। हिंसा की शुरुआत 3 बच्चियों की हत्या के बाद हुई। हत्या के संदिग्ध आरोपी के इस्लाम से संबंध की अफवाह उड़ने के बाद भयानक दंगा भड़का। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे भयानक दंगा एक अफवाह उड़ी, 9 शहर धधकने लगे। ब्रिटेन में आगजनी और लूट से हाहाकार। क्या ब्रिटेन को फूंक देंगे कट्टरपंथी दंगाई? दुकानों में लूट, मकानों में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में आगजनी, शराब स्टोर में डाका, सड़क पर पुलिस से संग्राम, दंगा डरावना भयानक और भीषण, सन्न कर देने वाला खूनी संघर्ष, जान देने और लेने पर उतारू उपद्रवी, ईंट पत्थर से लैस नकाबपोश जैसे इन नकाबपोश डकैतों ने ब्रिटेन की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रिटेन में जहां देखिए वहां तांडव मचा रखा है, खून खराबा हो रहा है, जिसे देखिए सब कुछ फूंक देने पर आमादा है। ये कोई एक शहर की बात नहीं, ब्रिटेन के 9 से ज्यादा शहर दंगे की आग में झुलस रहे हैं। दंगाई इस कदर बेकाबू है कि सुरक्षा बल भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब यह है कि दंगे की आग तेजी से भड़कती और फैलती ही जा रही है। ब्रिटेन के कितने शहर सुलग रहे हैं देखिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए गांव शहर सो खबर। नमस्कार।